आपके YouTube चैनल बनाना चाहता है तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाएगा YouTube चैनल बनाने का सबसे आसान तरीका। तो इसके लिए सबसे पहले क्या बनाना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले जीमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहला जीमेल आईडी बनाना पड़ेगा। तो आप इधर YouTube ऑन करेगा, YouTube में इधर ऊपर ये लोगो वाला आइकन नज़र आता है, इस पर टच करना पड़ेगा। फिर इधर ऐड अकाउंट, इस पर टच करना पड़ेगा। नेट थोड़ा स्लो है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर इधर क्रिएट अकाउंट पे टच करेगा, फिर माय स्लीप, फिर फॉर माय स्लीप, इस पर टच करना पड़ेगा। फिर इधर फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा जैसे टेक्निकल, इधर लास्ट नेम पी आर टी, फिर इधर नेक्स्ट करना पड़ेगा। इसके बाद इधर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, इधर ईयर 1994 ऐसा करना पड़ेगा। फिर इधर से फीमेल मेल सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इधर से नेक्स्ट करना पड़ेगा। इधर वो उस नाम पे पहले से ज़्यादा जीमेल बना हुआ है तो आपको से आपको इससे एक नाम चूज़ करना पड़ेगा, तो मैं एक नंबर वाला चूज़ करेगा। फिर इधर से नेक्स्ट करेगा, फिर इधर पासवर्ड देना पड़ेगा 18 से वाला, तो 400 में दे दो, 4 ABC में दे दो। तो मैं देगा पासवर्ड इसको, फिर 1122, फिर इधर से नेक्स्ट करेगा। तो मेरा पहले ऐसा पास जीमेल मौजूद है, तो मेरा जीमेल बनाने का ज़रूरत नहीं है, मगर सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने बना दिया। तो अभी इधर अपना मोबाइल नंबर डालो, इधर यस आई एम ऑन इसको दबाओ, तो आपका जीमेल अकाउंट तैयार हो गया। फिर इधर से बैक जाओ, बैक जाने के बाद आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। क्रोम ब्राउज़र में जाओ, ये इधर से ये 3 डॉट दबाओ, फिर ये डेस्कटॉप साइट पे तो पहले से मौजूद है, मगर चलो ये डेस्कटॉप साइट पे करो। तो फिर इधर youtube.com सर्च करो, youtube.com ये सर्च करो, तो आपको इधर थोड़ा टाइम लगेगा। आपको इधर इसी तरह इंटरफेस सामने आएगा, तो फिर ये कोने में ये लोगो नज़र आता है, इस पर टच करो। फिर इधर यूअर अकाउंट में टच करो, ठीक है। इसके बाद आप ये कस्टमाइज चैनल पे टच करो, ठीक है। फिर इधर अपना आपका नाम जो है चैनल का, अगर ये पहले से ठीक है टेक्निकल मोमिन, ये पिन वाला निशान है, इस पर टच करना है। इधर अपना नाम चेंज भी कर सकता है, इधर इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखना है आपका चैनल किस बारे में, तो इधर वही लिखो। फिर इसके नीचे जो है इधर आपसे अगर कोई बिजनेस करता है, बिजनेस के लिए आपसे इधर ईमेल भी मांगता है, इधर अपना ईमेल एड्रेस डालो। इसके बाद आपको जाना है इसके साथ में इधर ये ब्रांडिंग, इसमें टच करना है। आपको इस तरह इंटरफेस सामने आएगा, इसमें आप फिर ये पिक्चर, इधर आपसे पिक्चर यानी लोगो मांगता है, आप इधर जो है एक अपना पिक्चर लगाना है या कोई दूसरा बनाना है, तो हम तो दूसरा बनाएगा। तो इसके बाद इसके लिए फिर आपको क्या करना है, बैग जाना है, इधर से बैग जाएगा तो आपको प्ला स्टोर में जाना पड़ेगा। ये पेस आर्ट जो है ये मेरे साथ पहले से मौजूद है, इस पर टच करना है। आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा, तो आप क्या करना पड़ेगा, ये प्लस वाला निशान पे टच करना है, फिर थोड़ा ऊपर जाओ ऐसा, फिर आपके सामने ये कलर आएगा। मेरा तो ये वाला पसंद है, ये
आप सेलेक्ट करेगा चैनल में पहला टी आता है तो मैं टी सेलेक्ट करता हूँ, फिर ये टेक मार का निशान मारो तो ये थोड़ा इधर से ये थोड़ा बड़ा करो, ठीक है। इसी तरह कलर चेंज करना है तो ऐसा इससे इसका कलर भी चेंज होगा, एम लगाएगा, ये थोड़ा इधर बड़ा करना है, फिर इसके नीचे बराबर करना है, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह वही वाला कलर देना पड़ेगा। टूल्स, ये टूल में जाओ, ये शेप क्राफ्ट में जाओ, इधर इसको आपको जो पसंद है वही आप इसको लगा। शेडो के लिए थोड़ा ऐसा लाइन भी दे दो, ऐसे ही थोड़ा अच्छा देखेगा। फिर इधर से सेव करो, फिर आपको बैक जाना पड़ेगा वापस क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाना पड़ेगा आपको, कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना पड़ेगा, ब्रांड लिंक इस पे टच करना पड़ेगा, फिर इधर ये अपलोड पे टच करना पड़ेगा, ये अलाउ। अभी मैंने ये वाला बना दिया तो ये डन करना पड़ेगा, राइस ठीक है, बराबर है। इधर ये डन पर क्लिक करो, ठीक है आ गया। फिर आपको बैनर इमेज इधर वो दूसरा बड़ा वाला इमेज लगाना पड़ेगा, तो फिर इधर से आपको बैक जाना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए कि इसके लिए केनवा, ये केनवा आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, ये बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाता है। तो आपके सामने कुछ इसी तरह आएगा यूट्यूब, तो ये यूट्यूब आर्ट्स, यूट्यूब चैनल आर्ट्स इस पर क्लिक करना है। इसमें बहुत अच्छा डिज़ाइन है, फ्री में है, आपका जो कलर पसंद आ गया वही सेलेक्टर में, तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अब अपना मर्जी से सेलेक्ट करो, इधर दो बार टच करना पड़ेगा तो ये आप चेंज कर सकते हैं। इधर आप अपना चैनल का नाम लिखो, नहीं ये भी डिलीट करो, ये भी डिलीट करो, ये कलर मेरा पसंद है, ओके हो गया। फिर ये फिर आपको सेव करना पड़ेगा, इधर से सेव हो गया, ठीक है। फिर आपको बैक जाना है, फिर आपको इधर कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है, ये ब्रांडिंग पे टच करना है, फिर इधर अपलोड पे टच करना है, तो ये वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर डन पे क्लिक करता है, मुकम्मल हो गया। ये आपको अभी देखने में कोई इस तरह देखेगा। अभी इसमें एक काम बाकी है कि सिम से वो रिपाई करना है, तो ये भी वो रिपाई करना है। वीडियो लंबा होता है मगर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, तो अभी कैसे वो रिपाई करना है अभी आप इधर देखो, अभी आपको मैं पूरा तरीका इधर से सिखाएगा। अगर ये आपको रिपाई नहीं करेगा तो आपको फिर बाद में अपना वीडियो पे थंबनेल नहीं लगा सकते, इसलिए इसको रिपाई करना पड़ेगा। तो अभी बैक जाना है, आप देखो वीडियो को आखिर तक, ये आपके सब रिपाई करेगा, ये आप इधर ये लोगों पे टच करेगा, फिर योर चैनल, उसके बाद ये थ्री डॉट, फिर सेटिंग पे, फिर नीचे आएगा ये अबाउट पे, ये हेल्प पे,
वेरीफाई यार, आप सर्च करेगा वेरीफाई, वेरी फाई और हाँ एक कंट्री हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, टेस्ट मी वेरिफिकेशन कोड, ओके हमें एक कोड आएगा, पचास ये वेरीफाई हो गया। अभी आपका चैनल पूरा हो गया, अब आप वीडियो अपलोड करना है तो करो। अभी अगर शॉर्ट वीडियो अपलोड करना है तो इधर से शॉर्ट वीडियो अपलोड होगा, इधर से पूरा वीडियो अपलोड होगा, इधर से लाइव हो जाएगा, आपका चैनल कंप्लीट हो गया।